तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमिस्टर कॉमबोर्ड के टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सीजन 1 एंड हो चुका है 20 तारीख को, एंड हम लोगों को हमारे टोकन भी मिल चुके हैं, एंड हमारा अभी सीजन 2 चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे मेरा टोटल टोकन है वो 2082 है, एंड मेरा जो क्लेम्ड टोकन है वो 0 है, एंड वेस्टिंग टोकन है वो 244 है, एंड हमारा जो अवेलेबल है 26 तारीख को वो हमारा 1838 टोकन है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो हमारा 26 तारीख को टोकन अवेलेबल हो जाएगा वो 1838 टोकन है, यानी कि हमारा जो हमारा एक्सचेंज है तो हमारे एक्सचेंज में हमारा 1838 टोकन ट्रांसफ़र हो जाएगा 26 तारीख को। एंड जो वेस्टिंग टोकन दिखा रहा है 244 है। तो ये वेस्टिंग टोकन क्या है और ये कैसे हमारा अवेलेबल होगा 26 तारीख को, तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसी के रिकॉर्डिंग हेमिस्टर कॉमबोर्ड ने एक अपडेट दिया है जो शाम को दिया था 23 तारीख की डेट में ही। तो इसमें लिखा है हेमिस्टर मैथ, मतलब ये हेमिस्टर का कुछ कैलकुलेशन जैसा है। तो इसमें क्या लिखा है कि 300 मिलियन लोगों ने हेमिस्टर कॉमबोर्ड को ज्वाइन किया है 26 मार्च 2024 से। तो उसमें 131 मिलियन लोगों को एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई किया गया है, एंड 2.3 मिलियन लोगों को बैन किया गया है चीटिंग के मामले में। एंड यहाँ पे देखा जाए 30.6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना कोई एक्सचेंज नहीं चुना है, ना ही विड्रॉल का कुछ प्रोसेस किया है। एंड दूसरी बात की जाए यहाँ पे जो हमारा टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो 100 बिलियन हेमिस्टर टोकन है, मतलब 75% उसका कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना है क्या लिखा है। यहाँ पे जो हमारा 60% टोकन है वो सीजन 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, एंड जो इसका हमारा अमाउंट है तो वहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हमारा जो टोकन क्लेम करने के लिए और कुछ वेस्टिंग है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि 88.75 ये हमारा इमीडिएटली ड्यूरिंग द एयर ड्रॉप, मतलब ये हम अपना गेट कर सकते हैं अपना एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के टाइम पे। एंड जो हमारा 11.25 बचा है जो वेस्टेड एंड अनलॉक्ड है 10 मंथ्स आफ्टर द लिसनिंग, ये जो हमारा जो वेस्टिंग वाला जो टोकन दिख रहा है ये हमारा 10 मंथ बाद अनलॉक होगा, ये हमारा 10 महीने बाद ही अनलॉक होगा। अब ये नहीं पता ये ट्रांसफ़र करके इसमें लॉक रहेगा या इसमें ही पड़ा रहेगा, लेकिन ये हमारा लिस्टिंग के बाद 10 महीने बाद ही इसको हम अपना टोकन को क्लेम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक बात और भी है, जो हमारा सीजन 2 है, सीजन 2 में भी हमें 15% कुछ ड्रॉप के बारे में बात कर रहा है, 15% एयर ड्रॉप का कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमारा 11% कुछ रुका पड़ा है तो उसी हिसाब से हमारा जितना वो रुका पड़ा है इधर से ही इतना कुछ इधर से मिलेगा 15% के अबाउट समथिंग। एंड यहाँ पे जो हमारा 11% जो हमारा रुका पड़ा है वेस्टिंग में पड़ा है टोकन, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ये हेमिस्टर कॉमबोर्ड एप्लीकेशन में ही रहेगा, मिनी ऐप में जो हमारे टेलीग्राम में है, या फिर इसे बिनेंस या हमारा जो कुकवाइन या बाइबिट का जो एक्सचेंज है उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद में वो हमारा लॉक रहेगा। तो इस चीज़ का अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, जैसे इस चीज़ का कंफर्मेशन होगा मैं आपको बताऊँगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक हेमिस्टर कॉमबोर्ड को ज्वाइन नहीं किया हो तो वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो।